और अब बात पेट पूजा की, मतलब हमारी अगली खबर जायके के शौकीनों के लिए है। वो दिल्ली के फूड फेस्टिवल में जाकर अपने मनपसंद जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। ये फूड फेस्टिवल 12 मार्च तक चलेगा, मतलब अपने वीकेंड को आप जायकेदार जरूर बनाइएगा। मैं तो जरूर जाने वाली हूँ, खाने के शौकीनों में सबसे ऊपर मेरा नाम आता है। पंजाबी भी जा सकते हैं, किसी का भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, हम साथ चलेंगे। और फूड फेस्टिवल और चाय पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, फूड फेस्टिवल है यानी कि हर जगह के डिशेज हमें मिलेंगे। खबर बता दें आगे, बताइए। देखिए, खाने की बात होती है ना तो सब भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ चाय पर चर्चा और बुलेटिन कर रहे हैं। वैसे क्या कुछ है वहाँ पर खास, जरा जल्दी से जाके देखिए। दिल्ली के चटकारों को, दिल्ली के जायके को मिल गया है नया ठिकाना। राजधानी में लग रहा है स्वाद का मेला। यहाँ पकवानों की बहार है, नजारा ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो चले आइए राजधानी के टूरिज्म एंड फूड फेस्टिवल में, जहाँ कई किस्म के पकवान आपका इंतजार कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय खाद्य व्यंजनों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, लिहाजा यहाँ तरह तरह के भारतीय व्यंजनों की भरमार है। खास बात यह है कि भारत के 8000 साल के इतिहास को दर्शाने वाला जायका यहाँ मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ दर्शकों के मनोरंजन की भी खास व्यवस्था की गई है। आज यहाँ मिरग्या बैंड परफॉर्म कर रहा है, तो 11 मार्च को इंडियन ओशन और 12 मार्च को परिक्रमा बैंड परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी की एंट्री फ्री होगी। स्वाद के इस मेले का वक्त भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ लजीज व्यंजनों का आप लुत्फ उठा सकते हैं और अपने वीकेंड को बना सकते हैं स्पेशल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।